ये एक स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड या फिर मार्कशीट है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे सेशंस और उसके बाद है स्कूल का नेम या फिर इंस्टीट्यूट का नेम। यहाँ पर है क्लासेस, उसके बाद है सेक्शन, रोल नंबर। जब हम क्लास और रोल नंबर चेंज करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। ये मार्कशीट है क्लास 12th का और रोल नंबर है 13। जब मैं यहाँ से रोल नंबर चेंज करता हूँ और करता हूँ 1, तो हमारा फोटोग्राफ भी चेंज हो गया है और टोटल मार्क्स भी चेंज हो चुके हैं। नेम भी चेंज हो चुका है, ग्रेड पास या फिर फेल ये भी चेंज हो चुका है हमारा। मैं सेलेक्ट करता हूँ दूसरा डेटा और ये देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ चेंज हो चुकी हैं। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है हमारे टोटल्स, उसके बाद स्पेस है टीचर्स के रिमार्क्स के लिए और ये ग्रेडिंग का स्केल है। ग्रेडिंग का स्केल आपका कुछ भी हो सकता है और ग्रेडिंग के स्केल पे ही हमने पास या फिर फेल रखा हुआ है या फिर ग्रेड हमने रखा हुआ है। इस फॉर्मेट में टोटल 2 शीट्स होंगी। पहला होगा डेटा, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स होंगे और उनके सारे मार्क्स होंगे सब्जेक्ट वाइज, उनके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर होंगे। और सेकंड होगा हमारा रिपोर्ट कार्ड जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। मैंने इस रिपोर्ट कार्ड में कलर्स यूज़ किया हुआ है, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। शीट को हम रीनेम कर देंगे, ये हो जाएगा डेटा। पूरे शीट को सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेते हैं। कॉलम नंबर ए को क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर, ये होगा क्लास फर्स्ट और इसे मैं 12 तक ड्रैग कर दूंगा। एक्स्ट्रा को डिलीट कर लेते हैं, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं। हेड के कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेंगे। कॉपी करते हैं इसे Ctrl+C या Command+C और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कॉलम नंबर C को क्लोज लेंगे, इसे डिलीट करते हैं और आगे तक ड्रैग कर देते हैं। रो नंबर 2 के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, यह हो जाएगा हेल्पर। हम सिर्फ VLOOKUP पर्पस के लिए हेल्पर का यूज़ करेंगे। रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट्स नेम, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, पिक्चर्स। अब हम यहाँ सब्जेक्ट के नेम लिखेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हों आप यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, आते हैं लेफ्ट में, रोल नंबर, रोल नंबर से यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, ड्रैग कर देते हैं इसे। फिल सीरीज 25 तक रखते हैं, क्लास फर्स्ट नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। कॉपी सेल्स सेलेक्ट करते हैं सभी को और यहाँ पर बॉर्डर्स क्रिएट कर देंगे। हेल्पर हमारा फॉर्मूला होगा, प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे क्लास पर एंड क्लिक करेंगे रोल नंबर पर, एंटर। ये हमारा हेल्पर रेडी हो चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम मैं अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लूँगा। कॉपी करते हैं इसे Ctrl+C या Command+C, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़। यहाँ हम रैंडम मार्क्स इंसर्ट कर लेंगे और रैंडम मार्क्स के लिए मैं यूज़ करूँगा रैंड बिटवीन, प्लस या फिर इक्वल टू, रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, बॉटम मार्क्स मैं ले लूँगा 25 और टॉप ले लूँगा 100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इसे राइट साइड में भी ड्रैग कर देते हैं। कॉपी करते हैं इसे Ctrl+C या Command+C और एज अ वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़। तो हमारा रैंड बिटवीन का फंक्शन यहाँ से हट चुका है। अब हम यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर्स, यहाँ दो ऑप्शन नज़र आता है, प्लेस इन सेल, प्लेस ओवर सेल्स। हम जाएंगे प्लेस इन सेल, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और ये सारे मेरे पिक्चर्स हैं जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर लूँगा, इंसर्ट, पिक्चर हमारा सेल में इंसर्ट हो चुका है। और एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ, पिक्चर्स प्लेस इन सेल, पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट। इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स का भी पिक्चर मैं इंसर्ट कर लूँगा। मैंने 5 पिक्चर इंसर्ट कर लिया है, बाकी के लिए मैं कर देता हूँ नो पिक्चर, एंटर। इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। क्लास 1 का हमारा डेटा रेडी हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को हम Ctrl+C या Command+C और इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V या Command+V। आते हैं नीचे, यहाँ से पिक्चर्स को हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमने जो पिक्चर्स इंसर्ट किया था वो दूसरे क्लास का था। आते हैं ऊपर की तरफ, हेड्स को फ्रीज कर लेते हैं, जाएंगे व्यू में, फ्रीज पेन। नीचे की तरफ आते हैं, क्लास यहाँ फर्स्ट है, हम कर देते हैं सेकंड, एंटर। इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। कॉपी सेल्स, हम नेम भी चेंज कर लेंगे, डिलीट करते हैं नेम्स को यहाँ से, एग्जाम्पल फाइल में जाएंगे और वहाँ से हम नेम्स ले लेंगे।
कॉपी करेंगे क्लास टू के स्टूडेंट्स के नेम, कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। मार्क्स को चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी हम यूज़ कर लेंगे रैंड बिटवीन प्लस या फिर इक्वल टू रैंड बिटवीन, बॉटम मार्क्स ले लेंगे 25 और टॉप ले लेंगे 100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे और राइट में भी ड्रैग करेंगे, कॉपी करेंगे इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और एज वैल्यूज पेस्ट कर देंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। तो हमारा क्लास वन और टू का डेटा रेडी हो चुका है। आपके पास जितने भी क्लासेस के डेटा हों आपको इसी तरीके से उनको रेडी कर लेना है। जाएंगे व्यू में और यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। आते हैं ऊपर की तरफ, हमारा डेटा का फॉर्मेट रेडी है। न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, इसका नाम होगा रिपोर्ट कार्ड। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और सारी चीज़ों को मिड में अलाइन कर लेंगे। कॉलम नंबर ए और बी को सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को हम रिड्यूस कर लेंगे। क्लिक करेंगे C3 पर, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ये होगा सेशन, एंटर 2024-25, एंटर। कॉलम नंबर डी को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे क्लोज ले लेंगे। क्लिक करेंगे E2 पर और I तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ अपने स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम हम टाइप कर देंगे, एंटर, इसे भी आपस में मर्ज कर लेते हैं। यहाँ स्कूल का एड्रेस दे देंगे हम, एंटर। दोनों रोज को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे, टॉप रो के टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे, इनको सेंटर अलाइन कर लेंगे, इसे भी सेंटर अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर कोई कलर इंसर्ट कर देंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, यहाँ भी चेंज कर लेंगे सेल कलर और फॉन्ट कलर। यहाँ कोई लाइट सा शेड इंसर्ट कर देते हैं, इसे डिलीट करते हैं, परफेक्ट। एक रो इंसर्ट कर लेते हैं टॉप पर, इसे क्लोज ले लेते हैं। रो नंबर 5 को ब्लैंक छोड़ेंगे और इसे क्लोज ले लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ मीन्स C6 पर और I तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, ये होगा रिपोर्ट कार्ड, एंटर। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, रो साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। क्लिक करेंगे C7 पर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ग्रेड, पास / फेल, एंटर। यहाँ मार्क्स इंसर्ट करने वाले हैं, दो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, सेक्शन वाले रो पर क्लिक करेंगे, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ हम पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, इसको एक कलर दे देंगे। रो नंबर 13 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे क्लोज लेते हैं थोड़ा। सब्जेक्ट्स, एंटर, इसके कलर को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। कॉपी करते हैं सेशन को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें फिर से कलर इंसर्ट ना करना पड़े, इसको कर देते हैं सब्जेक्ट्स, एंटर। टोटल मार्क्स, पास मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स, परसेंट, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पास या फिर फेल। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों को सेंटर अलाइन कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे, सारे हेड्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। क्लिक करेंगे सब्जेक्ट्स पर, जाएंगे होम में, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ भी कलर इंसर्ट हो चुका है और फॉन्ट कलर भी चेंज हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं इसे, सेल कलर को येलो कर लेते हैं। आप अगर कलर इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मार्कशीट को ब्लैक एंड वाइट रख सकते हैं। रो नंबर 15 को ब्लैंक छोड़ेंगे, इसे थोड़ा क्लोज लेंगे। जाएंगे डेटा में, सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, मीन सारे हेड्स को हम कॉपी करेंगे। जाएंगे अपने रिपोर्ट कार्ड के फॉर्मेट में, क्लिक करेंगे यहाँ, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, इसे ऊपर लेते हैं, वैल्यूज, ट्रांसपोज, ओके। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ भी बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे हम। रो नंबर 23 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे ऊपर लेते हैं, मीन्स क्लोज लेते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ, इसका कलर चेंज कर देंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर देंगे, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा टोटल, एंटर। रो नंबर 25 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे क्लोज लेते हैं। रो नंबर 26 के साइज को इंक्रीज कर लेंगे, ये हो जाएगा टीचर्स रिमार्क्स, एंटर। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे, यहाँ भी बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे, कलर को चेंज कर लेंगे मीन्स सेल कलर को चेंज कर लेंगे, कोई लाइट सा शेड ले लेंगे। आते हैं नीचे की तरफ, रो नंबर 27 को क्लोज लेंगे
यहाँ हम अपने ग्रेड्स इंसर्ट करने वाले हैं। आपका ग्रेड कुछ भी हो सकता है, मैं अपने ग्रेड्स को अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लूँगा। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। सारे ग्रेड्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। कॉलम नंबर जे को क्लोज लेते हैं, आते हैं ऊपर की तरफ, कॉलम नंबर बी को थोड़ा सा और क्लोज लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे, जाएंगे बॉर्डर्स में, थिक बॉक्स बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। तो हमारा यहाँ मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी है, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज इंसर्ट करने हैं। यहाँ पर कलर इंसर्ट कर लेते हैं हम, होम में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, परफेक्ट। आते हैं ऊपर की तरफ, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स होगा 100, सेलेक्ट करते हैं सभी को, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं, पास मार्क्स 45 ले लेता हूँ मैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं। एक्चुअल मार्क्स, हम यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं लेकिन मैं एक रैंडम सा फिगर ले लूँगा, परसेंटेज हमारा फॉर्मूला होगा, प्लस या फिर इक्वल टू एक्चुअल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, एंटर। टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं, होम में जाएंगे, सेंटर में आएंगे, परसेंट का जो साइन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये परसेंटेज हो चुका है। टोटल हमारा फॉर्मूला होगा, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, इसे सेंटर अलाइन करते हैं, कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, एक्चुअल मार्क्स में इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। पास मार्क्स के नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ हम एवरेज का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन करते हैं इसे, 45 आ गया है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लिक करते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज, हमारे यहाँ 45% आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ एक्चुअल मार्क्स में 45 इंसर्ट किया था। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ 95 तो यहाँ पर टोटल 95 है और एवरेज भी 95 है हमारा। पास और फेल, हमारा पास मार्क्स है 45, तो उस बेसिस पर हम यहाँ पर इफ़ का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। तो हम यहाँ लेंगे एक्चुअल मार्क्स इज स्मॉलर दैन पास मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स पास मार्क्स से जब कम हो तो हमें यहाँ पर चाहिए फेल, तो हम करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फेल, और मार्क्स जब कम न हो यानी कि मार्क्स जब ज़्यादा हो तो हमें चाहिए पास, तो हम देंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हमारे यहाँ पास आ चुका है। नीचे तक ड्रैग करते हैं, जहाँ पर मार्क्स नहीं है वहाँ पर फेल नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ इफ का क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल पर, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन एक्चुअल मार्क्स इज इक्वल टू ब्लैंक, जब एक्चुअल मार्क्स में कुछ भी नहीं होगा तो हमें रिटर्न में ब्लैंक चाहिए, तो हम एक्सेल में ब्लैंक के लिए यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार फिर से इंसर्ट करूँगा, कॉमा, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, तो जहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है वहाँ पर ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ से डिलीट करते हैं एक्चुअल मार्क्स को, फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, परफेक्ट। आते हैं टॉप पर, क्लास, क्लास के सामने क्लिक करते हैं, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपनी डेटा शीट में और यहाँ से क्लास को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, जहाँ तक आपके क्लासेज हैं, और करेंगे ओके। तो क्लास का हमारा ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और हम करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं ए रोल नंबर, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे डेटा में और यहाँ से हम रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक और करेंगे ओके। आप अगर रोल नंबर को मैन्युअली इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ कोई रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, 1। स्टूडेंट्स नेम, हम यहाँ वी लुकअप का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन लुकअप में हम दो लुकअप वैल्यू लेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू होगा हमारा क्लास एंड रोल नंबर, कॉमा, टेबल आर ए, हम जाएंगे अपने डेटा में और सेलेक्ट करेंगे हेल्पर से लेके लास्ट सब्जेक्ट तक, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4। हमें चाहिए स्टूडेंट्स का नेम,
तो हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया था वी लुकअप के लिए हेल्पर से, तो हेल्पर हो जाएगा कॉलम नंबर 1, रोल नंबर हो जाएगा 2, क्लास 3 और स्टूडेंट्स का नेम हो जाएगा 4। तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 4, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ नाम आ चुका है स्टूडेंट का। फॉर्मूला बार में जाते हैं और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ चुका है। ग्रेड और पास या फिर फेल, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स का फॉर्मूला इंसर्ट कर लेंगे। एक्चुअल मार्क्स के लिए हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। यहाँ भी हम दो लुकअप वैल्यू लेंगे, पहला होगा क्लास, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम इसे नीचे ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए लॉक करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा लुकअप जो हमारा होगा वो होगा रोल नंबर, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 कॉमा टेबल RA। हम जाएंगे अपने डेटा में और सेलेक्ट करेंगे हेल्पर से लेके लास्ट सब्जेक्ट तक, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली इंसर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच। तो मैं टाइप करूँगा मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमें चाहिए मैच के लिए। तो हम जाएंगे अपने रिपोर्ट कार्ड में और क्लिक करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट पर, कॉमा लुकअप आरे, यहाँ हमें मैच का लुकअप आरे चाहिए। तो हम जाएंगे अपने डेटा शीट में और यहाँ हम हेड्स को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हम हेड्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे बिगिनिंग से लेके एंड तक, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और पूरा का पूरा रेंज हमारा लॉक हो जाएगा। कॉमा यहाँ तीन चीज़ें आ रही हैं नज़र, लेस दैन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर दैन। हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच, उसके लिए होता है 0। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा 0, लास्ट वाला 0 हमने इंसर्ट किया वी लुकअप के लिए, यानी कि वी लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 63 आ चुका है। जाएंगे फॉर्मूला बार में, हमने यहाँ वी लुकअप यूज़ किया इसलिए हम यहाँ इफ एरर का क्राइटेरिया भी इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सारे मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं, पास फेल सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है प्रॉपरली, परसेंटेज भी हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। क्लिक करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और टॉप के जितने भी हमारे मार्क्स हैं सबको सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम में और यहाँ पर कोई डार्क सा कलर इंसर्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे इन सभी को, यहाँ भी कलर इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ भी हम कलर इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ भी कलर इंसर्ट कर लेते हैं। जिन सेल्स को हमने हाईलाइट नहीं किया उनके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे, कोई लाइट सा शेड ले लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ से बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं, च्वाइस टोटली आपकी है। अंडू करता हूँ इसे। पास या फिर फेल, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे टोटल परसेंटेज पे, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 45%, क्योंकि पास मार्क्स हमारा 45 है। तो अगर टोटल 45 से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल टू हो तो हमें चाहिए पास, तो हम देंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा अगर ये क्राइटेरिया मीट ना हो तो हमें चाहिए फेल, तो हम देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पास नज़र आ रहा है। फॉर्मूला बार में जाएंगे और इफ का एक और क्राइटेरिया यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। इफ, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे स्टूडेंट के नेम पे, इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। अगर स्टूडेंट का यहाँ नाम ना हो तो हमें रिटर्न में ब्लैंक चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से इंसर्ट कर देंगे 2 बार, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी यहाँ स्टूडेंट का नाम नहीं होगा तो सारी चीज़ें यहाँ ब्लैंक नजर आएंगी। यहाँ पर वैल्यू एरर नज़र आ रहा है। जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे इसे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज, परफेक्ट। सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी रोल नंबर 1 और रोल नंबर 1 की सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। सेलेक्ट करते हैं 2
तो 2 की सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ और पिक्चर के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में लेंगे हम स्टूडेंट का नेम कॉमा टेबल आ रहे, हम जाएंगे अपने डेटा शीट में और यहाँ से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम से, स्टूडेंट नेम और पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 कॉमा। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था स्टूडेंट नेम से, तो स्टूडेंट नेम हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और पिक्चर्स हो जाएगा 2, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन एंटर हिट करने से पहले हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर आ चुका है। जब हम रोल नंबर चेंज करेंगे करते हैं 1, तो यहाँ रोल नंबर 1 का पिक्चर आ चुका है। करते हैं 3, तो ये रोल नंबर 3 का पिक्चर है। 4, तो ये 4 का पिक्चर है और मार्क्स हैं। कर लेते हैं इसे रोल नंबर 2। ग्रेड, हमारे सारे ग्रेड्स हैं यहाँ पर और इनके बेसिस पे हमें ग्रेड्स को इंसर्ट करना है यहाँ, यानी कि हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना होगा यहाँ पर। हम यहाँ नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हैं और इफ्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ करूँगा इफ्स। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसे, प्लस या फिर इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में लेना होगा हमें टोटल मार्क्स का जो परसेंटेज है, क्लिक करेंगे यहाँ इज ग्रेटर दैन ए प्लस के लिए क्या क्राइटेरिया है, अगर 97 से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर देंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 97% कॉमा, अगर 97% के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस, तो हम लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ए प्लस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट 1 हो चुका है। लॉजिकल टेस्ट 2, हम यहाँ वापस से इफ या फिर इफ टाइप नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे टोटल परसेंटेज पर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 93, तो ले लेंगे हम 93% कॉमा, जब ये 93% या उससे ऊपर हो तो हमें चाहिए ए, तो लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा, फिर से क्लिक करेंगे टोटल परसेंटेज पे इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90% कॉमा, जब ये 90 से ऊपर हो तो हमें क्या चाहिए ए माइनस, हम यहाँ पर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ए माइनस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा। इसी तरीके से हम बी का, सी का और डी का भी ग्रेडिंग स्केल को सेट कर लेंगे। हमारा जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है बिलो 65, तो हम यहाँ पर करेंगे स्मॉलर दैन 65% कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डी माइनस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ डी प्लस आ चुका है। एक क्राइटेरिया हम और यहाँ इंसर्ट कर देते हैं इफ का, इफ ब्रैकेट ओपन टोटल परसेंटेज इज इक्वल टू 0%, जब टोटल परसेंट 0% हो तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए, तो हम देंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए कॉमा, एंड में आएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे यहाँ आ चुका है डी प्लस। क्लिक करते हैं यहाँ पर पास या फिर फेल पर, जाते हैं होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, हम यहाँ टाइप करते हैं पास, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट फॉन्ट, फॉन्ट को हम कर लेंगे ग्रीन और इसे कर लेंगे बोल्ड और करेंगे ओके ओके, तो पास हमारा ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। वापस जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और हम यहाँ टाइप करते हैं फेल, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट फॉन्ट, सेलेक्ट करते हैं रेड कलर, कर लेते हैं इसे बोल्ड और करते हैं ओके ओके, तो जब भी ये फेल होगा रेड में हाईलाइट होगा, पास होगा तो ग्रीन में हाईलाइट होगा। क्लिक करते हैं यहाँ प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करते हैं पास या फिर फेल पर एंटर। आप जो भी क्राइटेरिया चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ क्लास फर्स्ट की जगह क्लास सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ 2 क्लास का ही डेटा रेडी किया था, तो सेलेक्ट करता हूँ जब मैं सेकंड, पिक्चर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा में हमने कोई भी पिक्चर इंसर्ट नहीं किया था क्लास सेकंड के लिए, लेकिन सारे मार्क्स प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं, जेम्सन रोल नंबर 2 क्लास 2 इंग्लिश का टोटल मार्क्स है 93, क्लास 2 रोल नंबर 2 जेम्सन इंग्लिश का टोटल मार्क्स है 93, हिंदी है 46 और साइंस है 31, हिंदी है 46 साइंस है 31। फिजिकल एजुकेशन एक बार चेक कर लेते हैं, आते हैं डेटा में, फिजिकल एजुकेशन है 97, यहाँ भी 97 नज़र आ रहा है। तो हमारा ये फॉर्मेट रेडी है।
मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड या एडिट का ऑप्शन सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है। आप फाइल को डाउनलोड करने के लिए चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।